हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम रैंकर्स। मैं अपने पहले लेक्चर का जल्दी से रिवाइज करती हूँ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। मैंने उसमें पीरियडिक टेबल आपको दिखाई थी, जिसमें ये आपका एस ब्लॉक और आपका डी ब्लॉक, इसमें ज़्यादातर सारे क्या थे आपके मेटल्स थे, केवल इस मरकरी को छोड़ के, क्योंकि मरकरी आपका क्या था, एक लिक्विड इन नेचर, राइट। पी ब्लॉक में भी आपका काफ़ी एलिमेंट्स आपका मेटल्स था, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, आपके मेटल्स हैं, ठीक है। और आपके पी ब्लॉक में जब आप इधर चले जाते हैं, आप तक कार्बन, देखो एक अलग, बहुत सारे थ्योरीज हैं, एक जैसे कि बहुत कॉमन थ्योरी है बैंड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर बैंड थ्योरी है, वो ये प्रूव कर देता है कि क्यों कार्बन के लेफ्ट वाले, दिस इज कार्बन राइट, क्यों इस कार्बन के जो लेफ्ट वाले हैं वो मेटल्स मेटालिक नेचर होल्ड कर रहे हैं, और कार्बन के जो राइट वाले हैं वो नॉन मेटालिक नेचर होल्ड कर रहे हैं। हर चीज़ को एक प्रूव किया गया है कुछ थ्योरीज और एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पे, राइट। तो वो थोड़ा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको आपको डिस्कस करूँगी। अभी जल्दी से इसको समराइज करते हैं। तो अभी आप पी ब्लॉक में देखते हैं, तो कार्बन के राइट वाले वो आपके क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट्स जैसे आपका ये बोरॉन, सिलिकॉन, ये आपके क्या है, मेटलॉइड्स हैं। मैंने बताया मेटलॉइड्स क्या हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड रखेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, राइट। फिर हमने बताया कि इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, ये दिखते कैसे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस एस ब्लॉक की बात करें, आप इस डी ब्लॉक की बात करें, इनमें ज़्यादातर आपके सॉलिड हैं, केवल इस मरकरी को छोड़ के ये लिक्विड है, राइट। ये भी आपके कैसे हैं, आपके सॉलिड हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आपका ये गैलियम है, इसका कुछ इसका प्रॉपर्टी, एंड दिस इज़ योर सीजियम, ये दो। इन दोनों का क्या है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, ज़्यादातर जो आपके मेटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होते हैं, ठीक है। जैसे आपका आयरन है, लोहे को आप पिघलाते हो तो क्या आसानी से पिघल जाता है, नहीं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है, वो आपका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। कंडीशन, जैसे कि कंडीशन आपका स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए, प्रेशर आपका एटीएम होना चाहिए, ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर पे वो टेम्परेचर जिसमें आपका सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि जितने भी मेटल्स हैं, ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होल्ड करते हैं। अगर आपको कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है तो आयरन को सोच लीजिए, कोई भी आयरन रॉड ले लीजिए, कोई भी लोहे का कुछ भी पार्टिकल ले लीजिए, ठीक है, उन सबको आप देखेंगे कि वो ईजिली मेल्ट नहीं होता। गोल्ड क्या ईजिली मेल्ट हो जाता है? नहीं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन इनमें दो आपके एक्सेप्शंस हैं, वो क्या है आपका सीएस एंड गैलियम, ये व्हाट सीएस एंड जीए, ये काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होल्ड करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, राइट। इतना लो होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट कि अगर आप इसको हाथ की हथेली का हीट भी अगर आप देंगे, जस्ट आप इसको रब भी कर देंगे ना, तब भी ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सॉलिड दिखती हैं, लेकिन आप उनको टच करके थोड़ा सा भी ऐसे रब करना स्टार्ट करते हैं तो उतनी सी में ही वो मेल्ट हो जाते हैं, वही इन दोनों के साथ है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कौन सा, सीजियम एंड गैलियम, इन दोनों की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैंने आपको देखो यहाँ पे लिख रखा है, जितना भी है ब्लू से मैंने लिख रखा है, वो सारे के सारे आपके क्या है, गैसेस। गैसेस में आपकी सारी नोबल गैसेस आ गई, ये नोबल गैसेस, पूरा आपका नोबल गैसेस आ गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आपके क्या हैं, गैसेस हैं। ये नॉन मेटल्स हैं, प्लीज़ कन्फ्यूज मत होना, ये नॉन मेटल्स हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। मैं अभी फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रही हूँ, मैं केवल मेटल्स की बात नहीं कर रही। तो नॉन मेटल्स में आपके ये सारे गैसेस हैं, केवल इसमें ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा है जो कैसा है, लिक्विड है, नॉन मेटल है और लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, राइट, आगे चलते हैं। देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि आप एस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, इसको अल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। पीरियडिक टेबल को याद करने की ट्रिक मैंने एक नई लेक्चर में दे रखी है, आप जा के चेक करके उसको देख सकते हैं, वरना मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे हम, उसको कैसे आप याद कर सकते हैं। पीरियडिक टेबल आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप 10th में हैं, 11th 12th में आने वाले हैं, बेस है यार, पीरियडिक टेबल नहीं पता तो कुछ भी नहीं हो सकता।
पीरियोडिक टेबल तो एकदम से सेट होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है? ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, सारे के सारे मेटल्स हैं, ओके, जिसमें आपको क्या मरकरी और ब्रोमीन को छोड़ना पड़ेगा, जो लिक्विड्स हैं जिसमें मरकरी आपका मेटल है और ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है, और लेकिन ये हैं कैसे, लिक्विड हैं, और ज़्यादातर आपका गैसेस नॉन मेटल्स गैसेस हैं जिनमें आपका नोबल गैसेस भी आ जाते हैं, ठीक है? मैंने इसको क्यों सर्कल कर रखा है, क्योंकि ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अभी अननोन है, हम ये नहीं कह सकते कि ये लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, ठीक है? तो ये आपके सॉलिड हैं, ये आपके सॉलिड हैं, आप इस मरकरी को छोड़ दीजिए, ये आपका लिक्विड है, ये सॉलिड हैं, राइट? फिर उसके बाद ये भी आपका सॉलिड है, देखो ऐसा ही क्या है आपका, सिल्का, बालू देखते हो, सैंड देखते हो, कैसी है, सॉलिड है ना, ठीक है, ये सॉलिड हैं, ठीक है? अब आप नॉन मेटल्स में आ जाएंगे, कार्बन भी देखो आपका सॉलिड होता है, सॉलिड कार्बन कैसे, कोयला सॉलिड है, डायमंड ये भी कार्बन का ही रूप है, ठीक है, ये भी कैसा है आपका, सॉलिड है। यही आप अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनकी बात करें तो आपकी गैसेस हो जाती हैं, लेकिन इसमें आप ब्रोमीन को छोड़ देना, ब्रोमीन आपका लिक्विड है, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, हम जो अपनी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे वो थी मेटैलिक लस्टर, ठीक है? मेटैलिक लस्टर, लस्टर का मतलब होता है चमक, क्या होता है, चमक। ये जो मेटल्स होती है ना, ये ज़्यादातर मेटल्स चमकती रहती हैं, इसके लिए बहुत ही कॉमन एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा होगा लैब में थर्मामीटर, देखा या नहीं देखा, आई डोंट नो, मतलब कहीं पे भी अगर आपने थर्मामीटर देखा है तो उसमें मरकरी भरा रहता है, जब आप किसी का टेम्परेचर लेना होता है तो मरकरी ऊपर मूव करता है, तब आप देखते हैं कि हाँ भाई इतना चढ़ गया, मतलब आप इसका टेम्परेचर इतना है, तो आप देखते हैं कि मरकरी एकदम से ऐसे वाइट या सिल्वरी कलर का होता है, चमकता रहता है, आपको दिखता है कि हाँ कुछ चमकती हुई चीज़ ऊपर चढ़ रही है, ठीक है? तो मरकरी हो या कोई भी मेटल हो, मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है कि उनमें चमक होती है, ठीक है? और उनकी इस करैक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं मेटैलिक लस्टर, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है? मतलब उनमें चमकने की कैपेसिटी होती है, या वो चमकते हैं, ऐसी उनकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब कोई काला है तो काला ही है ना, कोई गोरा है तो गोरा ही है ना, ठीक है? तो ऐसे ही ये मेटल्स है, इनकी ये फिजिकल अपीयरेंस है कि ये चमकते हैं, इन मेटैलिक लस्टर का प्रॉपर्टी होता है। तो क्या है आपका, जो मेटल सरफेस होती है वो लस्टर करती है, मतलब चमकती है, उनमें शाइनी अपीयरेंस होता है, मतलब हमको बहुत ही शाइनिंग से फील होते हैं, लेकिन ये दो केसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी कॉमन प्रॉपर्टीज सबको पता होती है, लेकिन जहाँ पे भी कुछ अपवाद आ जाते हैं ना, कुछ एक्सेप्टेंस केसेस आ जाते हैं ना, उनको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चंस उन्हीं पे बनते हैं। आप टेंथ में ये टारगेट मत रखो कि हाँ भाई टेंथ अपना हाई स्कूल निकल जाए, हो जाएगा कायम, आप हाई स्कूल आपका बेस है, आप इलेवेंथ में जाएंगे, ट्वेल्थ में जाएंगे, कहीं पे भी अगर आपने साइंस ले रखी है ना, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये कहीं पे भी पीछे नहीं छोड़ेंगी। और जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे तब तो आप ये समझ लो कि या तो अभी पढ़ लो या फिर वापस आके पढ़ लो, दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप अभी पढ़ के चलो अच्छे से, या फिर आप इंतज़ार करो, हम ट्वेल्थ कर लेंगे, उसके बाद जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे फिर से अपना एनसीईआरटी पढ़ने वापस आएंगे, ठीक है? तो बेटर है कि ये जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो भी ऐसे अपवाद जो रहते हैं, जो स्पेशल केसेस होते हैं, उनको आप दिमाग में फीड करके रखें, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस जनरली बनते हैं, ठीक है? ओके, नाउ मैंने बताया कि ज़्यादातर आपके जो मेटल्स हैं वो सिल्वरी, मतलब सिल्वर की तरह चमकते हैं, लेकिन इनमें आपको दो छोड़ने पड़ेंगे, कॉपर एंड गोल्ड, ये दोनों आपके अलग हैं। क्यों? पहली बात तो आपका जो कॉपर है ये रेडिश कैसा होता है, रेडिश, और आपका जो गोल्ड है वो येलोस, भाई सोना तो पीला होता है ना, इतना तो पता है ना, येलोस मतलब गोल्डन येलो होता है, गोल्डन कलर का होता है, और कॉपर आपका रेडिश होता है। तो वही मैंने लिख रखा है कि ज़्यादातर सिल्वरी कलर में होते हैं, ठीक है? हाँ, एक ये पॉइंट जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपसे बोला था कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हमको ग्रे या ब्लैक सरफेस हमें उनकी महसूस होती है। जनरली सोडियम भी अगर आपको लैब में दिया होगा तो आपको कैसा महसूस होगा कि ये तो काला है भाई, ये तो ग्रे हो रखा है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि वो शाइनी होता है, आप जैसे ही उसको नाइफ से कट करेंगे, ठीक है, जैसे आप उसको नाइफ से कट करेंगे वो चमकता हुआ ही निकलेगा, लेकिन वो इतनी जल्दी अपने आसपास की एयर से ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक सरफेस या ग्रे सरफेस जनरेट कर लेता है। आप तुरंत कट करके देखेंगे ना उसको, तो वो चमकता हुआ ही निकलेगा,
ठीक है ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो चमक है, ये जो लस्टर नेचर है, जो मेटेलिक लस्टर नेचर है, जो चमक है मेटल्स में, वो आती क्यों है, इसका कारण क्या है। ठीक है, दिमाग में आना चाहिए ना भाई, अब तो हम 10th में आ गए हैं कि भाई क्यों आ रही है ये चमक। चमक आ रही है वो तो सबको पता है, क्यों आ रही है? तो ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो फंडा है ना, ये बहुत काम का है, क्योंकि यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हर एक मेटल की प्रॉपर्टी को बदल देते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक टाइप के स्पेशल करेक्टर मान लो, स्पेशल फीचर्स मान लो, ठीक है, जो एक नॉर्मल कार और एक ऑडी में डिफरेंस कर देते हैं। ठीक है, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो फंडा है वो बहुत ही स्पेशल फंडा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि लस्टर क्यों होता है, चमक क्यों होती है, तो वो होती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। राइट, होता क्या है एक्चुअली, अभी आप इस स्लाइड पे मत जाओ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड महसूस हो रही है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, जनरली आपका कोई भी एलिमेंट है, जनरली आपका कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि आप बहुत सोडियम ही ले लीजिए, ठीक है, अगर आपने सोडियम ही ले लिया, क्योंकि सोडियम बहुत कॉमन है, लैब में मिल जाता है कभी कभी, सोडियम एक्सट्रैक्ट मतलब जो टेस्टिंग हम करते होते हैं उसमें सोडियम थोड़ा सा दे देते हैं। ओके, तो सोडियम क्या था, 11Na, ठीक है, 11Na था आपका, तो 2, 8, 1, ठीक है, ये हो गया। अब ये आपके इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे, 1s2 सब सेल्स में, 2s2, 2p6, 3s1, ये लिखना नहीं आता है, तो प्लीज़ इस पर भी एक वीडियो है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है, प्लीज़। ओके, तो किस तरीके से रहता है एक्चुअली, ये आपका होता है न्यूक्लियस, और ये यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते हैं। ठीक है, ये आपकी K, L, M, N, ये होती हैं आपकी सेल्स, K, L, M, N, इसमें आपके क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 जो हैं वो आपके किस में आ गए, इसमें आ गए। फिर आपका जो L है, N बराबर 2 है, इसमें आपके 8 है, इसमें आपका यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब किसी भी मेटल पे लाइट फॉल हुई, ठीक है, लाइट गिरने के बाद ही तो चमकता है, ऐसा तो नहीं है कि अंधेरे में रखा हुआ है और चमक रहा है, थोड़ा सा भी उस पर लाइट गिरी, या फिर मतलब जैसे ही उसको, यार कोई चीज़ आपको क्यों दिखती है, रोशनी में तो दिखती है ना, तो चमकती हुई भी आपको रोशनी में ही दिखेगी ना, तो उस पर लाइट जैसे ही गिरी तो क्या होता है कि मेटल एच न्यू लाइट गिरी मान लीजिए, तो मेटल का जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इस लाइट को ऑब्टेन करके एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए कि आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये आपकी एनर्जी लेवल्स हैं, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, और जैसे उसने एनर्जी ली वो एक्साइट होके क्या हुआ, एक्साइटेड लेवल में चला गया। इतना मान लीजिए ये एच न्यू के बराबर गैप था, उसने इतना गैप कवर किया और ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या होता है कि ये वापस से जब ग्राउंड फॉर्म में आता है तो ये एनर्जी को इमिट करता है, मतलब उस एनर्जी को वापस से इमिट करता है। ठीक है, और इमिट करने के बाद ये जो एनर्जी होती है इसकी वजह से इसमें चमक आती है। जरा वापस चलते हैं, देखिए ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, इसने लाइट ली, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया, देखिए जैसे ये ग्राउंड में है, एच न्यू इसने लिया और ये इस टाइप से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये क्या करेगा, ये एच न्यू को इमिट करेगा वापस से उसको, देखिए मान लीजिए कि इतने हाइट पर जाने के लिए उसने एच न्यू ली थी, तो वापस आने के लिए वो एच न्यू निकालेगा भी ना। ठीक है, अभी आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मैं बता दे रही हूँ कि क्यों होता है, समझ में आए तो ठीक है, वरना फ्यूचर में समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो कारण क्या है, किस चीज़ का कारण, इस चीज़ का कि ज़्यादातर मेटल्स आपको सिल्वर ही दिख रहे हैं, लेकिन आपको कॉपर और आपको गोल्ड, ये 2 आपको अलग दिख रहे हैं। राइट, ये आपको रेडिश दिख रहा है, ये आपको गोल्डन दिख रहा है, क्यों? तो देखिए
एक्चुअली क्या होता है कि जो मेटल्स हैं इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो एक्साइट होते हैं तो वो ऑल वेवलेंथ सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जब उसी सारी की सारी लाइट को वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट होती है लाइट, इससे क्या होती है रिफ्लेक्ट लाइट जो है वो इससे रिफ्लेक्ट होती है, जो एनर्जी होती है वो मेटल से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, इसलिए हमको ये चमकते हुए दिखते हैं, ठीक है। लेकिन कॉपर और गोल्ड का क्या कंसेप्ट है, इसके लिए आपको क्या होता है, कॉपर और गोल्ड ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर लैम्डा की ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये स्पेशल कलर में दिखाई देते हैं। देखिए ये क्या है, आपका कलर व्हील है, ठीक है। बिबग्योर मतलब इंद्रधनुष के सात रंग, ये तो सुना ही होगा ना, इंद्रधनुष के सात रंग, तो बिबग्योर का कंसेप्ट पता है, तो ये बिबग्योर ही है, बिबग्योर राइट, BVGYOR, ये कलर व्हील है, मतलब रंग का पहिया, ठीक है। ये कलर व्हील है, ये डिसाइड करता है कि अगर कौन सा कलर उसने अब्जॉर्ब किया है तो हमें कौन से कलर में दिखाई देगा, ठीक है। देखिए जिस कलर की वेवलेंथ को कोई भी मेटल एब्जॉर्ब करता है हमें उसी कलर में नहीं दिखता है, बल्कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखता है, ठीक है। तो जो कॉपर है, अगर ये कॉपर हमें रेडिश दिखाई दे रहा है, मतलब ये हमको रेडिश दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसने ग्रीन कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। और अगर हमें ये गोल्डन येलो दिखाई दे रहा है, मतलब इसके आसपास, तो इसने कहीं ना कहीं वॉयलेट के आसपास की वेवलेंथ को कवर किया था। तो कॉपर और गोल्ड ऐसे मेटल्स हैं जो केवल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी को इमिट करके हमें इन कलर में दिखाई देते हैं। और बल्कि हमारे जो और सारे के सारे मेटल्स हैं वो क्या होता है कि जो भी, जैसे कि आपकी जो सनलाइट है, आपकी ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट में सारे के सारे कलर होते हैं, सारी की सारी वेवलेंथ होते हैं, ठीक है। तो जो सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके और इमिट करके रिफ्लेक्ट करे तो वो हमें क्या, चमकता हुआ सिल्वरी दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका लस्टर नेचर का रीजन, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, समझ में आया है तो ठीक है, वरना आपके दिमाग में क्या रखना है कि मेटल्स जो है वो लस्टर नेचर होल्ड करती हैं। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसी है जो लस्टर नेचर होल्ड करती है, वो है आयोडीन। जनरली जो चमकने वाला नेचर है वो मेटल्स का है, लेकिन आयोडीन जो कि नॉन मेटल है वो भी मेटेलिक लस्टर का करेक्टर होल्ड करती है, ठीक है। तो अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या हो गई, पहली प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई आपकी, मेटेलिक लस्टर, ठीक है। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ की, ज़्यादातर जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो हार्डनेस होती है वो मेटल टू मेटल वेरी करती है, अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करें तो ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, मतलब इनको आप नाइफ से, चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। और यही अगर आप आयरन की बात कर लें, लोहे की बात कर लें, तो काट लो भाई अगर आपके बस का हो तो। चलिए फिर इनका नेक्स्ट है, इनका करेक्टर कौन सा, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कितना फैलाया जा सकता है। मैंने कहीं पे इसकी हिंदी भी लिखी है, हाँ इसकी हिंदी थी बढ़ाने की क्षमता, मतलब बढ़ने की क्षमता, ठीक है, नॉट बढ़ाने की, बढ़ने की क्षमता, ठीक है। तो किसी चीज़ को कितना ज़्यादा स्प्रेड किया जा सकता है, मतलब अगर आप किसी भी मेटल को हिट कर रहे हैं, उस पर लोहा, आप उस पर हथौड़ा मार रहे हैं, तो वो कितनी ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है दिस, मैलेबिलिटी। मतलब कैन बी बीटन इनटू थिन सीट्स, मतलब पतली सी चादर में उसको पीटा जा सके। जैसे कि आपके जो संदूक वगैरह बनते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, कितनी पतली सीट होती है, मतलब थी तो वो मेटल, उन्होंने उसको हिट कर करके उसको एक फ्लैट सीट बना दिया, ठीक है। तो वो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनको पीट करके उनको एक थिन सीट, एक पतली सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, मेलेबिलिटी। और इसमें ये दोनों टॉप पे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। गोल्ड
एंड सिल्वर, ये दोनों ऐसे हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा भी पीटोगे ना, कितना भी पीटोगे तब भी ये क्या है, ये ब्रेक नहीं होंगे, ये फ्लैट होते ही जाएंगे। बहुत ही पतली से पतली फिल्म में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि जो जैसे कोई भी सीट जो गोल्ड का, जो जितने भी आपको जो ज्वेलरी वगैरह बनती है, कितनी ही पतली होती है, कितनी ही पतली, मतलब आपको कभी कभी तो वेट भी फील नहीं होगा भाई इसमें कोई वेट हैवी है या नहीं, मतलब इतने ज़्यादा मेलेबल होते हैं कि इनको बहुत ही पतली सीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसमें गोल्ड और सिल्वर आपका बेस्ट है। अब आते हैं डक्टाइल, डक्टाइल नेचर। डक्टाइल क्या होती है, नम, नम मतलब कौन कितना ज़्यादा नम है, कितना ज़्यादा लचीला है, लचीला राइट ओके जो भी है, कौन कितना ज़्यादा लचीला है, मतलब लचीला मतलब उसको कितनी ही ज़्यादा खींच के पतले तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, पतले तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा लचीली होगी उसको उतने ही लंबे वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है बिना टूटे। ऐसा नहीं है कि वो टूट जाएगा, बार बार टूट रहा है, नहीं, आप उसका बहुत लंबा तार बना सकते हैं पर वो टूटेगा नहीं। इसमें भी आपका गोल्ड क्या है, बहुत ही मतलब मोस्ट डक्टाइल नेचर होता है गोल्ड का, मतलब अगर एक ग्राम गोल्ड, केवल एक ग्राम गोल्ड को अगर आप खींचना शुरू करें, पतले तार में कन्वर्ट करना शुरू करें, तो 2 किलोमीटर तक लंबा तार पॉसिबल है, मतलब 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबा तार आप बना सकते हैं केवल एक ग्राम गोल्ड से। यही रीज़न है कि गोल्ड के जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो मतलब ईजली बन जाती है। लेकिन हाँ एक बात और है कि जो ज्वेलरी हमको मिलती है ना वो 100% प्योर गोल्ड नहीं होता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लचीला होता है ना कि मतलब उसको एक फिक्स शेप दे ही नहीं सकते, उसकी इस नेचर को, डक्टाइल नेचर को थोड़ा कम करने के लिए उन उसका ये जो मेलेबल नेचर और डक्टाइल नेचर है, जो ये लचीलापन और जो स्प्रेड होने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, इसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए उसमें और चीज़ें मिलाई जाती हैं, और मेटल्स मिलाए जाते हैं, जिन्हें ऐसे मेटल्स को अलॉयज बोलते हैं, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड तैयार किया जाता है जिसमें मोर देन 1 मेटल्स मिले होते हैं, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं कि 18 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट, 24 कैरेट, क्योंकि 100% प्योर नहीं होता, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी तो रहेगी ही गोल्ड में, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है कि उससे फिर ज्वेलरी बनाई नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये हो गया डक्टाइल नेचर। तो यही जो इसकी मेलेबिलिटी और डक्टाइबिलिटी, ये जो इसके नेचर है, इसी की वजह से क्या करते हैं हम उसे कोई भी शेप दे सकते हैं, एनी टाइप ऑफ शेप, चाहे उससे इयररिंग्स बना लो, नेकलेस बना लो, कुछ भी बना लो, चाहे लोहे, चाहे गोल्ड के तार ही बना के रख दो, ठीक है ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होती है, कंडक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई थी, बैंड थ्योरी, अगर डिमांड रहेगी तो उसको डिस्कस कर लेंगे, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तो पता नहीं वो समझ में भी आएगी या नहीं आएगी, सब ऊपर से उड़ गई, ठीक है, अगर डिमांड रहेगी तो देखेंगे, अदरवाइज ओके। तो कंडक्टर्स जो हैं, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, किसी चीज़ को कंडक्ट करना, कंडक्ट करना मतलब लीड करना, लीड तो एक दूसरा सेंस हो जाता है जो दूसरों को लीड करता है, कंडक्ट करना मतलब चलाना, जैसे बस तो ड्राइवर चलाता है, कंडक्टर पीछे बैठा रहता है, ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और कंडक्टर्स होने के लिए मेटल्स में जो स्पेशल करेक्टर होता है वो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई आप हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहे हो, और अगर आप मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होंगे तो चीज़ तो पहले ही पिघल जाएगी। देखिए आप किसी भी आयरन की चीज़ को गैस पे रखो, किसी भी आयरन की चीज़ को, तो आप देखेंगे कि उसके एक एंड को आप गैस पे रखोगे, मानो आपने ये गैस पे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ टाइम में वो यहाँ पे भी गर्म हो जाएगा। जैसे कि ओके कोई भी पैन ले लीजिए, कोई भी बर्तन जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हैं, तो चाय तो जस्ट बॉटम ही तो उस पर रखा होता है गैस पे, या आपके जो भी आप इंडक्शन वगैरह पर रख रहे हैं, रखा तो केवल उसका बॉटम है, लेकिन बर्तन तो पूरा गर्म हो जाता है, क्योंकि मेटल है, ये हीट को कंडक्ट करता है, पूरा का पूरा बर्तन गर्म हो जाता है, ठीक है। इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा तो थोड़ी सी हीट लेने में ये पिघल जाएंगे, भाई बर्तन पिघल गए तो बन गया कुछ,
ठीक है, तो इसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, जिसमें मरकरी को आप छोड़ दें जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मेटल्स की बात कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे एक डाउट क्लियर करने दो कि जो हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं वो मेटल्स की हैं, मेटल्स हैज़ मेटालिक लक्स्चर, मेटल्स हैज़ डक्टाइल नेचर, मेलेबल नेचर, राइट, एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। हम सारी के सारी मेटल्स की बात कर रहे हैं अभी, नॉन मेटल्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, मेटल्स की हैं। तो मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, जिसमें आपके बेस्ट क्या है, सिल्वर एंड कॉपर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, दीज आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, दीज आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट्स। और अगर पुअर कंडक्टर की बात करें, सबसे ही पुअर कंडक्टर वो है आपके लेड एंड मरकरी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेड एंड मरकरी, पीबी एंड एचजी, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। नाउ एक लास्ट प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो है क्या, सोनोरस। ये भी मेटालिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करता है साउंड को, मतलब अगर आप किसी भी मेटल को किसी भी हार्ड सरफेस पे अगर टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। और उसके एग्जांपल्स क्या है, आपके स्कूल, कॉलेज, चर्च, कहीं के भी घंटे ले लो, किसी भी घंटे, घर का घंटा ले लो, कोई भी बैल ले लो, कोई भी छोटी घंटी ले लो, कुछ भी ले लो यार, सब जैसे ही क्या होता है कि उसी का मेटल उसी से जब हिट करता है, क्योंकि दोनों सॉलिड है, ठीक है, जब हिट करता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। जितना बड़ा घंटा होता है और जितनी तेज़ी से आपने उसको हिट किया होता है, उतना ही ज़्यादा साउंड आता है। जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहाँ बड़े बड़े घंटे टंगे रहते हैं, और उनको उतना ही ज़्यादा हमको इस मतलब फोर्स लगा के हिट करना पड़ता है, और वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स की इस प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं, सोनोरस, ठीक है। तो ये कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई जिनको आपको दिमाग में रखना है। होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली है मेटल्स की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जस्ट अगर हम रिव्यू करेंगे तो क्या है, लस्चर, ठीक है, दूसरा कंडक्टर्स, तीसरा आपका ये सोनोरस ले लो, ठीक है, चौथा आपका क्या है, डक्टाइल, ओके, फाइव मेलेबल इन नेचर, ओके, कोई और छूटा है क्या, एनी अदर नेचर, ओके, ऊपर से रिवाइज कर लेना। तो